नॉर्मल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेस पर। हमारा चेहरा अगर हम स्किन ऑफ द फेस देखें, द स्किन ऑफ द फेस प्रोड्यूसेस न्यूमरस स्वेट एंड सेबेशियस। हमारे इसके फेस की स्किन है, चेहरे की स्किन है, इसमें बहुत ज्यादा हद तक स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं। इट इज कनेक्टिंग टू द अंडरलाइंग बोन्स बाई लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये नीचे वाली बोन्स के साथ अटैच होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ, यानी कि स्किन हमारी जो हमारी फेस के बाकी जितनी भी बोन्स अभी हम उसको डिस्कस करेंगे इसके साथ लूजली अटैच होते हैं, इतनी स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं है। ठीक है, इन विच एम्बेडेड द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे हमारे फेस के जितने भी एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं मसल्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज जो आपने याद रखनी है कि हमारे फेस के स्किन पे सिर्फ सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया नहीं होता। हमारी बॉडी की जो बाकी स्किन है, जैसे एब्डोमेन की स्किन है या हमारे आर्म या फोर आर्म्स या लेग्स की स्किन है, वहां पे डीप फेशिया होता है, यहाँ पे डीप फेशिया। इसीलिए इसी तरह अगर हम अपनी स्किन की फेस के ऊपर अगर कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं, इसमें जो स्कार्स बनते हैं, दाग बनते हैं, इतने कॉन्सिक्वेंस नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू हमारी अगर बाकी बॉडी की स्किन हो। लेकिन इसके लिए सर्जिकल स्कार्स के लेस कॉन्सिक्वेंस होने के लिए सर्जन को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे फेस के रिंकल्स जिस उसकी जो लाइनिंग है उसी को फॉलो करके वो जो है ना कट लगाए। अगर तो वो कट को हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल कट लगा देगा तो मे भी जो है तो स्कार सर्जिकल स्कार बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। उसके बाद देख लेते हैं जी हमारी फेस में बोन्स। आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारी क्रेनियम रीजन में 8 बोन्स होती है, हमारी फेस में 14 बोन्स होती है जो कि हमें नजर आती है। इसमें अगर हम अपने टू में डिवाइड करें तो 6 ऐसी हैं जो पेयर्ड हैं और जस्ट 2 ऐसी हैं जो कि अनपेयर्ड बोन्स हैं जो हमारे फेस में। अगर हम पेयर्ड बोन्स की बात करें तो आंखों वाली है लैक्रिमल जो हमारी आंखों के अंदर ऑर्बिट्स बनाती है। जाइगोमेटिक्स कहते हैं हमारी चीक्स बोन, ये जो हमारी चीक्स हैं ये जाइगोमेटिक बोन। इसी तरह अपर जाज की चीक्स और जाइगोमेटिक ये जो दोनों हैं मैक्सिला और जाइगोमेटिक आपस में मिलती हैं अपर जाज के ऊपर से मैक्सिला कहते हैं। नाक के अंदर 4 की बजाय 5 हड्डियां होती हैं, कुछ है नेजल ये भी दोस्त पेयर्ड है, इंफीरियर नेजल पंकाई ये भी नाक के अंदर होती है, ये भी पेयर्ड है दोनों साइड। जो हमारे माउथ के अंदर हड्डियां होती हैं उसको कहते हैं पैलेटाइन बोन्स। इसी तरह ये सारी सारी जो बोन्स की बात की है ये पेयर्ड है। कुछ अनपेयर्ड बोन होती है, एक होती है मैंडिबल एक होती है हूमर। मैंडिबल बोन जो है ना इसको हम लाफिंग बोन भी कहते हैं, हम लोग जब हंसते हैं तो हमारे सॉरी इसको लाफिंग बोन भी कहते हैं और इसके अलावा इसको शेविंग बोन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शेव जितना मर्द हजरात शेव करते हैं उस सारे रीजन को जो कवर करता है ये मैंडिबल बोन कवर करती है, जो कि हमारे कानों से स्टार्ट होकर टेम्पोरल बोन से स्टार्ट होकर ये हमारा सारा चिन का एरिया लोअर जॉज का जितना भी एरिया है एक अकेली जो बोन है जिसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं ये बनती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 14 बोन्स है फेस में जिसमें 6 पेयर्ड हैं 2 अनपेयर्ड हैं। वूमर बोन जो है ये भी हमारे नोज के अंदर होती है, टोटल जो है 2 ही अनपेयर्ड बोन्स है। मैंडिबल मैंडिबल काफी बड़ी बोन होती है कि हमारे शेविंग वाला जितना भी एरिया होता है मर्द हजरात की ये बनाती है और रूमर जो है नाक के अंदर। इसके बाद आ जाता है हमारे फेस की सेंसरी नर्व सप्लाई, जो हमारे फेस को जो वैसे तो दो बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो है ना वो दो बड़ी बड़ी नर्व सप्लाई करती हैं। दोनों क्रेनियल नर्व है, एक ट्राइजेमिनल नर्व है और एक जो है वो फेशियल नर्व है। लेकिन जो सिर्फ हमारे फेस की सेंसरी सप्लाई करती है, जो सुपरफिशियल सप्लाई करती है वो है ट्राइजेमिनल नर्व। उसकी 3 ब्रांचेस, उनके आप नाम याद रख लें वही काफी हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व लहर है जो ऑप्थेल्मिक रीजन में फ्रॉम माथे और नाक को सप्लाई करेगी। मैक्सिलरी नर्व ये मैक्सिलरी प्रोसेस यानी कि मैक्सिला के मैक्सिलरी प्रोसेस को सप्लाई करेगी और ये वो एक चीज यहाँ पे वो कहता है फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से ये जो है ना वो निकलती है। इस तरह मैंडिबुलर नर्व है, ये मैंडिबल बोन जो मैंने बताया शेविंग बोन है हमारी उस सारे रीजन को सप्लाई करती है।
और ये भी फर्स्ट फ्रेंगियल आर्ट्स। ये जो तीनों नर्व्स हैं ये हमारे स्किन की स्किन को इनको उसके सेंसरी नर्व्स हैं फेस। अर्टीरियल सप्लाई ऑफ द फेस की बात कर लें तो हमारे दो मेन बड़ी वेसल्स हैं जो कि सप्लाई करती है, एक फेशियल एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी आगे फर्दर ब्रांच है, वो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। फेशियल आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ जो हमारी, जिसमें आपको याद होगा सारा कुछ कि जब हम लोग हार्ट से हमारी आर्टरीज निकलती हैं जिसमें एक आर्टरी जो कि नेक को सप्लाई करती है उसमें आती थी एक्सटर्नल या कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी फर्दर जाके दो में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो फेशियल आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। Having arched upward and above the mandibular salivary gland, is submandibular यानी कि हमारी mandible above the neck या chin के बिल्कुल नीचे salivary gland होगा। यहाँ पे curve करके picture में आपको दिखाता हूँ body of mandible को और masseter muscle ये भी discuss करेंगे इसको supply करती है। और यही वो जगह है जो कि neck के above हम लोग जो है ना बिल्कुल इसको जो है ना फील कर सकते हैं, पल्सेशन ले सकते हैं। हमें ना हमारी बॉडी की आठ जगह ऐसी हम लोग पल्सेशन सकते हैं। उसमें एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो वहाँ से डिवीजन देती है फेशियल आर्टरी का, वहाँ से हम इसको इसकी सेंसेशन ले सकते हैं। फेशियल आर्टरी की ब्रांचेज हैं इसको हम पिक्चर में देख लेते हैं। जस्ट आपको जगह का पता हो ये लफ्ज क्या है तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से रीजन को सप्लाई करते हैं। सब मेंटल आर्टरी, मेंटल फोरामन एक्चुअली मैंडिबल के ऊपर, ये चिन के नीचे एक फोरामन होता है, तो चिन की जितनी भी चीजें होगी उसको मेंटल करते हैं। तो सब मेंटल आर्टरी ये चिन के रीजन को सप्लाई करेगी या लोअर लिप को, या हर चिन का रीजन जो है वो लोअर लिप का रीजन है। इंफीरियर लेबियल आर्टरी, ये लेबियल का वर्ड जो होता है वो लिप के लिए होता है, तो ये लोअर लिप को सप्लाई करती है। सुपीरियर लेबियल आर्टरी अपर लिप को सप्लाई करेगी। लेटरल नेजल आर्टरी, ये नाक की लेटरल साइड की यानी के साइड को सप्लाई करेगी, उसके बाहर वाले हिस्से को, डार्सल ऑफ द नोज को। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये टेम्पोरल रीजन ऑफ द स्कैल्प को सप्लाई करेगी। इसी तरह जो है वो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो कि फर्दर सब डिवीजन थी जब हम पीछे पढ़ते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये उसको यानी कि ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी ट्रांसवर्स प्रोसेस यानी कि कहेंगे ट्रांसवर्सली ये हमारे फेस के जिनको टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करेगी। इसी तरह सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी भी हैं जो कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। तो सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा का मतलब ऊपर, ऑर्बिटल मतलब आइस, आइस से रिलेटेड तीन चीज होंगे सो ऑर्बिटल। तो आप आंखों के ऊपर जो है वो हम पता है हमारा फोरहेड होता है। ट्रॉक्लियर का मतलब आंखों से रिलेटेड है, ये हमारे फोरहेड की स्किन को सप्लाई करते हैं सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी। लेकिन ये बात यहाँ पे आप याद रखनी है कि ये जो ब्रांचेज हैं ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं, फेशियल आर्टरी की ब्रांचेज हैं। उसके बाद वीनस ड्रेनेज है, वही चीज वीनस ड्रेनेज जो है ना वो कंपेयर रिस्पोंड करती है आर्टरीज को, जैसे वैसे आर्टरीज हैं वैसे वैसे वेन्स हैं। जो एक चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है वो ये है कि जब हम लोग, जैसे मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि जब आर्टरीज से आर्टरीज निकलती हैं तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इस तरह जब दिल की तरफ खून वापस लेके वेन्स जाती हैं तो ऊपर से जितनी भी वेन है वो एक बड़े से हमारा वेन होती है जिसे कहते हैं इंटरनल जुगुलर, जुगुलर वेन, तो सारी की सारी उसमें अंदर आगे ड्रेन। तो फेशियल वेन जो है वो मीडियल एंगल ऑफ द आई में, वही सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन्स जो वहां से ऊपर तो थैलेमिक आर्टरी की ब्रांचेस थी ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों वेन्स मिलके फेशियल वेन बना रही हैं। इट इज कनेक्टेड टू द सुपीरियर थैलेमिक वेन डायरेक्टली थ्रू द सुप्रा ऑर्बिटल वेन, एंड सुपीरियर थैलेमिक वेन डायरेक्टली सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये दोनों मिलके फेशियल वेन बनाते हैं। और ये एंड हो जाएगी, जो बात आपने याद रखनी है, एंड हो जाएगी ये इंटरनल जुगुलर वेन में जाकर नेक रीजन। उसके बाद ट्राइब्यूटरीज वही होंगी जो हमने सारा पढ़ते हैं, सब मेंटल आर्टरी यहाँ पे सब मेंटल वेन होगी जो पीछे हम डिस्कस करके आए हैं। अगर इंफीरियर लेबियल आर्टरी है तो इंफीरियर लेबियल वेन होगी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी है तो सुपीरियर रिस्पॉन्ड करेंगी जितनी भी हमारी वेन्स। ये इस पिक्चर में आपको जो है ना एक चीज क्लियरली नजर आ रही है, ये देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, जैसे ही वो यहाँ इस रीजन के ऊपर जाकर हम लोग पल्सेशन ले सकते हैं लोअर साइड ऑफ द चिन या नेक के ऊपर, ठीक है।
यहाँ से ही बिल्कुल जो है ना वो फेशियल आर्टरी में कन्वर्ट, जैसे ये जिनको क्रॉस के सॉरी हमारे फेस रीजन में एंटर होगी तो इसको फेशियल आर्टरी सी एक्सटर्नल रोटेड आर्टरी है, जैसे ही ये हमारे मैंडिबल प्रोसेस के मैंडिबल के पास आएगी इसको फेशियल आर्टरी। यहाँ पे फिर मुख्य किस्म जैसे मैंने आपको बताया कि सब मेंटल आर्टरी जो है वो सप्लाई करेगी जिनको, ये इंफीरियर लेबियल आर्टरी है, इस तरह ये सुपीरियर लेबियल आर्टरी जो अपर साइड ऑफ द स्किन को, ये जो डार्सम ऑफ द नोज की भी आर्टरी थी, इसी तरह ये सारी जो है यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो कि जैसे मैंने आपको बताया था ये ब्रांचेस है थैलेमिक आर्टरी की, इस तरह ये एक्सटर्नल लेबियल आर्टरी, ये सारी की सारी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्रा ट्रॉक्सियल आर्टरी, ये भी थैलेमिक आर्टरी की ब्रांचेस थी, ये सारी की सारी जो है ना इस रीजन को जो है ना वो फोरहेड रीजन को सप्लाई करेंगे। इस तरह कानों के ऊपर जो है ना वो ये फर्दर डिवीजन जो है जब हम लोग ईयर्स पर उनके डिटेल्स से जाइगोमेटिक और टेम्पोरल जाइगोमेटिक फेशियल आर्टरी को डिस्कस करें। अगर आप अब राइट साइड पे आ जाए पिक्चर की, दूसरी तरह वही वेन्स सुप्रा ट्रॉक्यूलर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन ये ज्वाइन करके फेशियल वेन बनाएंगी, ठीक है, कुछ वहाँ पर लैक्रिमल वेन वगैरह जो रिस्पॉन्ड करेंगी ज्वाइन करेंगी, इस तरह जैसे वहाँ पर हमने पढ़ी थी क्या उसे कहते हैं एक्सटर्नल नेजल आर्टरी, यहाँ पे एक्सटर्नल नेजल वेन होगी ये वाली, फिर वही सुपीरियर लेबियल वेन, इंफीरियर लेबियल वेन और सब मेंटल वेन, ये सारी मिलके जो आपने याद रखना है ये इंटरनल जुगुलर वेन में एंटर हो जाती है, इंटरनल जुगुलर वेन फिर आगे जाती है दिल की तरफ। उसके बाद इस रीजन की जो हमने पढ़ा था ना एक सेंसरी नर्व सप्लाई और एक मोटर नर्व सप्लाई, जो मोटर नर्व सप्लाई करती है हमारे फेस को वो है फेशियल नर्व। तो पीछे हम लोग तीन ब्रांचेस पढ़ के आए थे, ट्राइजेंगुलर नर्व की है, सब मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी डिवीजन और मैंडिबुलर, तीन रीजंस पढ़ के आए थे, वो सारी की सारी जो थी वो थी ट्राइजेंगुलर नर्व की ब्रांचेस और सेंसरी नर्व सप्लाई थी। जो मोटर नर्व सप्लाई है वो फेशियल नर्व है, एक क्रेनियल नर्व है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम ब्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे। जो बात आपने याद रखनी है कि ये सेकंड फ्रंजियल आर्ट से जो है वो निकलती है, वो जो है वहाँ जो सेंसरी नर्व्स मैंने पढ़ के आए थे वो फर्स्ट फ्रंजियल आर्ट से, और ये फ्रंजियल आर्ट जो है हम फेरिंग्स में जब पढ़ेंगे डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। सप्लाई करते हैं ये हमारे फेस के जितने भी मसल है उन सबको फेशियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है। डज नॉट सप्लाई द स्किन, स्किन की सप्लाई के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्राइजेमिनल नर्व लेकिन आपको इस चीज का भी समझ आ जाएगी कि जिस वर्ड का यूज, जैसे टेम्पोरल ब्रांच है तो जैसे वर्ड टेम्पोरल का आएगा तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये जो है वो हमारे कानों से रिलेटेड। अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म की मसल्स हैं इसके हम लोग डिस्कस करेंगे, ये उनको सप्लाई करती है। जाइगोमेटिक ब्रांच तो आपको जाइगोमेटिक बोन चीक रीजन आ जाना चाहिए कि वहाँ पे उनको सप्लाई करेगी। बकल ब्रांच जो है, बकल जो है वो हमारे जो है ना वो मुंह के अंदर के रिलेटेड मसल है, ये वहाँ पे बक्सिनेटर मसल होगा उसको सप्लाई करेगी, अपर लिप और नॉस्ट्रल्स के मसल को। मैंडिबुलर ब्रांच ऑब्वियसली शेविंग रीजन है हमारा, तो ये लोअर लिप के रीजन को यहाँ पे सप्लाई, मैंडिबल बोन को सप्लाई करेगी। सर्वाइकल आपको पता है नेक से रिलेटेड चीज होता है तो ये नेक को सप्लाई करेगी। तो ये बस आप जस्ट इतना याद रखें इनके नाम और अनवर्ड से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व जो है वो किस रीजन की तरफ जा रही है। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे मसल ऑफ द हेड या फेस, ये जितने भी मसल हैं, हेड में एक ही मसल था जिसे मसल आप स्कैल्प कहते थे, हमने डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे दोबारा में डिस्कस नहीं करने वाला। फेशियल एक्सप्रेशन के जो हमारे मसल हैं डिफिकल्ट हैं बच्चे, जस्ट आपको इनके एक्शंस की तो इनके नाम से समझ लग जाएगी बेसिकली क्या क्या, ठीक है, तो याद तो करने पड़ेंगे। एक चीज में कॉमन है जो मैं आपको बता चुका हूँ, सबकी नर्व सप्लाई जो है वो फेशियल, सबकी फेशियल एक्सप्रेशंस के जितने भी मसल हैं जो हमारे हम लोग फेस के मुख्तलिफ डिजाइन बनाते हैं, इनको मसल जितने भी हैं उन सबके जो नर्व सप्लाई है वो फेशियल नर्व है। अगर आप इनके एक्शंस की बात करें तो एक्शंस में जैसे जैसे मसल का नाम है वैसे वैसे उसका एक्शन होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे आपको समझ लग जाएगी। बाकी अगर एक वर्ड तो यूज हुआ है तो आप रिजन इंसर्शन का याद कर सकते। सबसे पहले आएगा ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई,
आर्टिकल पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, पल्पिटल पार्ट और आर्टिकल पार्ट। दोनों जो है राइज करते हैं मीडियल पार्टिकुलर लिगामेंट से और लेटरल पार्टिकुलर रैफी, ये हम लोग बोन्स करेंगे इनकी वहां पर देखेंगे, ये वहां पे जाके इनकी इंसर्शन होती है। और ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई, ऑकुलाई का वर्ड ऑकुलम से निकला और ऑकुलम बेसिकली आईज से रिलेटेड है। इसका फंक्शन जो है ये क्लोज करते हैं आईलिड्स को, इसका जो पल्पिटल पार्ट है आईलिड्स को क्लोज करेगा और लैक्रिमल सैक को डायलेट करेगा, हमारी आंसू पैदा करने में इसका जो मेन रोल है, ये आप याद रखते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई का मेन रोल जो है वो हमारे इसके जो पल्पिटल पार्ट का, ये हमारे जो लैक्रिमल सैक को ओपन करना, लैक्रिमल सैक को ओपन करने का मतलब ये है कि टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्बिटल पार्ट्स जो है इसी का ऑर्बिटल ऑकुलाई का वो क्या करेगा, थ्रो स्किन अराउंड ऑर्बिट इनटू फोल्स टू प्रोटेक्ट आई बाल, यानी ये जब हम लोग अचानक हमारी आंखों पर प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों को फोर्स की शक्ल में बंद करेगा ताकि हमारी आंखें जो है वो आई बाल उसका प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद आएगा करूगेटर सुपरसीलियाई, ये सुपरसीलियाई आर्ट से ये डिस्कस करेंगे जब बोन्स पढ़ेंगे, यहाँ से अराइज करता है स्किन ऑफ आईब्रो को जो है ये सप्लाई करता है। फेशियल बता चुका हूँ, ये हमारे रिंकल्स जो हमारे माथे पे तेवरियां बढ़ती हैं, जैसे फ्रोइंग कहते हैं जिसको फोनिंग कहते हैं सॉरी, बल्क आती हुई ये हमारे माथे पे तेवरियां चढ़ती है, ये इसका एक्शन है करूगेटर सुपरसीलियाई। उसके बाद कंप्रेसर नेसाई, नेसाई वर्ड नेजल से निकला है, ये अराइज तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ नेजल से करेगा, मैक्सिला से करेगा, लेकिन इंसर्शन इसकी आगे होगी ओपन यूरोसिस ऑफ द ब्रिज ऑफ द सप्लाई। फेशियल नर्व है, ये क्या करेगा कंप्रेस करेगा मोबाइल नेसल कार्टिलेजेस, हमारे नाक की कार्टिलेजेस हैं अच्छी हड्डियां, उनको कंप्रेस करेगा, कंप्रेसर नेसाई से यही वर्ड आप कह सकते हैं। इस तरह डायलेटर नेरिस है, ये उसकी ऑपोजिट होगा, यानी कि नाक को जो हम सुकेड़ते हैं बंद करते हैं उसमें कंप्रेसर नेसाई, जो डायलेटर नेसल हम जो है नाक को ओपन करते हैं डायलेट करते हैं नेजल अपर्चर को डायलेट करते हैं। ओरिजिनल इंसर्शन वही है, ये मैक्सिला से राइज करता है, वो फ्रंटल प्रोसेस भी मैक्सिला से, और ये इंसर्ट होगा एल एफ द नोज, हमारे नाक का जो नथना होता है उसका जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे एल एफ नर्व सप्लाई की पेशियल नर्व है, ये नेजल अपर्चर प्रोवाइड प्रोसेरिस नेजल बोन से राइज करेगा, आईब्रोज की स्किन के ऊपर इंसर्शन होगी और ये नोज की स्किन को रिंकल डाल नाक की स्किन के ऊपर जो वट बढ़ते हैं ना बेसिकली कहते हैं ये इसकी वजह से। ऑर्बिकुलरिस ओरिस पर हमने ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई पढ़ा था, ये है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑकुलाई फॉर आईज ओरिस फॉर ओरल यानी कि माउथ, ये राइज करेगा मैक्सिला मैंडिबल एंड स्किन, ये ओरल ओरिफाइस हमारे मुंह का जितना भी अपर्चर है माउथ का ये उसको जो है ना वो एनसर्कल करेगा। नर्व सप्लाई फेशियल नर्व है और ये क्या करेगा हम जो मुंह बंद करते हैं ना बेसिकली हमारे दोनों लिप्स को कंप्रेसेस करता है एक दूसरे के साथ। अच्छा ये जो पीछे मसल पड़े हैं ये वो समस्या होते हैं जो भी हमारे लिप जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये वाला ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई हमारे लिप को यानी मुंह बंद करने में आता है। अब ये जितने भी मसल हमारे लेफ्ट साइड बेंड के आप नाम याद कर लें, इनका एक ही फंक्शन ये है कि ये हमारे मुंह को ओपन करने, लिप्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। नाम देख लो, लेवेटर लेबे सुपीरियरिस है, एलिएक्टस नेसाई है, लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस है, ज़िगोमैटिकस माइनर है, ज़िगोमैटिकस मेजर है, लेवेटर एंगुलाई ओरिस है, रिसोरियस है, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस है, डिप्रेसर लेबे इंफीरियरिस है, मेंटालिस है। ये जितने भी मसल हैं ये सारे के सारे अपने रिलेटेड जितने भी बोन्स है उससे राइज करते हैं और इंसर्ट भी वहाँ पे होते हैं, सॉरी इंसर्ट इनकी लिप्स के ऊपर आते होते हैं। नर्व सप्लाई वही फेशियल नर्व, इन सब का फंक्शन कॉमन है कि हमारे लिप्स को ओपन करने में सेपरेट करने में मदद देते हैं, यानी कि मुंह को खोलने में जो हमारा मदद दे रहा है वो ये सारे के सारे डायलेटर्स मसल। उसके बाद बक्सिनेटर मसल आ गया, ये राइज करता है आउटर सरफेस ऑफ द एल्यूलर मार्जिन ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल एंड टीरोगाइड मैंडिबुलर लिगामेंट, ये लिगामेंट होगा हमारे मैंडिबल और वहां पे जाके वहां से ये राइज करता है और वहीं पे इसकी इंसर्शन हो जाती है। नर्व सप्लाई फेशियल नर्व है, फंक्शन क्या है, जब हम खा पी रहे होते हैं तो हम हमारे टीथ को कंप्रेस करने में, चीक्स को और लिप्स को, जब हम वक्सीनेटर बेसिकली वक्सीनेशन से निकला, वक्सीनेशन का मतलब क्या है चुइंग है वक्सीनेशन, यानी कि हम जब खा पी रहे होते हैं तो चीक्स को कंप्रेस करने में ये मदद है। इसके अलावा माउथ से रिलेटेड हमारे और भी बहुत ज़्यादा मसल हैं जो हम लोग जो है ना जब हम लोग माउथ को ज्यादा डिस्कस करेंगे वहां पे जाके। एनी क्वेश्चन?